नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में टेक्नो पॉप 5 प्रो वर्सेस शाओमी रेडमी 9 आई स्पोर्ट का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.49 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो पॉप 5 प्रो में 2.99 इंच जबकि 9i स्पोर्ट में 3.03 इंच की विड्थ मिलती है। बात करें थिकनेस की तो पॉप 5 प्रो में 0.37 इंच जबकि 9i स्पोर्ट में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो पॉप 5 प्रो में 6.52 इंचेस जबकि 9i स्पोर्ट में 6.53 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन दोनों फोन में सेम ही 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो पॉप 5 प्रो में 81.94% जबकि 9i स्पोर्ट में 81.08% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो दोनों फोन में सेम ही 269 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो पॉप 5 प्रो में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, सेकेंडरी कैमरा और आखिर में AI लेंस देखने को मिलता है। और 9i स्पोर्ट की बात करें तो इसमें एक कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो पॉप 5 प्रो में 3 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और 9i स्पोर्ट की बात करें तो उसमें 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो पॉप 5 प्रो में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और 9i स्पोर्ट में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 2 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो पॉप 5 प्रो में पावर GE8300 जबकि 9i स्पोर्ट में पावर GE8320 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो पॉप 5 प्रो में MediaTek Helio और 9i स्पोर्ट में MediaTek Helio G25 मिलता है। बात करें रैम की तो पॉप 5 प्रो में 3GB की रैम मिलती है जबकि 9i स्पोर्ट में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB रैम मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो पॉप 5 प्रो में 32GB की स्टोरेज मिलती है जबकि 9i स्पोर्ट में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी की बात करें तो पॉप 5 प्रो में अप टू 256GB जबकि 9i स्पोर्ट में अप टू 512GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पॉप 5 प्रो में एंड्रॉइड V11 जबकि 9i स्पोर्ट में एंड्रॉइड V10 क्यू देखने को मिलती है। बैटरी पॉप 5 प्रो में 6000mAh जबकि 9i स्पोर्ट में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 3 कलर्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो पॉप 5 प्रो में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जो कि 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ ₹8,360 में मिल जाता है। वही अगर बात करें 9i स्पोर्ट की तो उसमें 2 वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ ₹8,799, 4GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ ₹9,299 में मिलते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो टेक्नो पॉप 5 प्रो में 6 फायदे और 7 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Xiaomi Redmi 9i Sport
क्योंकि तो उसमें दो फायदे और शून्य नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में 9i स्पोर्ट आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में पॉप 5 प्रो आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें टेक्नो पोवर है, दूसरा शाओमी रेडमी नोट 10s है, तीसरा ओप्पो A54 है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A16 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।